बनने जा रहे हैं बहुत ही शानदार मेथी का पराठा। नाश्ते के लिए एकदम लच्छेदार पराठा बनाएंगे आज हम। आइए बनाते हैं बहुत ही स्पेशल पराठे। ये है दो आलू बॉईल करके, मेथी बारीक कटी हुई है, थोड़ा सा बेसन आधा कप और आधा कप ही लिया है हमने आटा, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से वाइट तिल। तिल है ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, स्वादानुसार नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला। ओके, आलू को हम मैश कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये जो आटा है ना, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी का मोयल। इस तरह से हम इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। ये ना बिल्कुल ही एक टीस्पून ही डाला है हमने आलू में, और मेथी में ही अच्छी तरह से हमारा आटा लग गया और बहुत ही बढ़िया डो तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही अच्छा डो तैयार हो गया। इसको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ ही हाथ ही इसका पराठा बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लच्छेदार पराठा बनेगा। थोड़ी सी लोई लेके हमने इस तरह से इसको पराठे को बेल लिया, और अब इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरह से। घी लगा के और इस पर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और बीच में से थोड़ा सा कट करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसको ऊपर से कर देंगे बंद, और ऐसे दबा के इसको बराबर गोल कर लेंगे। ये देखिए, और फिर से इसको बेल लेंगे। ये देखिए पराठा है ना, इसको थोड़ा सा ग्रीस किए हुए तवे पर हम इस तरह से डाल देंगे, और फिर एक पराठा और बना लेंगे। जैसे हमने वो पराठा बेला है ना, सेम वैसे ही हम इसे भी बेल लेंगे। देखिए और सेम वैसे ही ऐसे कट किया, और थोड़ा सूखा आटा डाला और फोल्ड किया। इस पराठे को हम इस तरह से घी लगा के और पलटे से दबाते हुए सेक लेंगे ऐसे। फ्लेम को ना लो मीडियम रखेंगे, पहले थोड़ा सा तेज करके गैस को गर्म कर लेंगे, और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे। इसे भी हम जैसे हमने पहले सेका था ना पराठा, सेम वैसे ही पलटे से दबा के और मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। बीच बीच में यदि जरूरत हो तो हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं। पराठा ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है, ये देखिए बहुत शानदार पराठा बना है। और इसे मक्खन के साथ, हल्दी की सब्जी, गोभी गाजर का अचार, मस्त ब्रेकफास्ट बनेगा। आप एक बार खिलाओगे ना तो रोज इसी पराठे की डिमांड होगी। है ना मस्त पराठा, सुबह का ब्रेकफास्ट मजा ही आ जाएगा खाके। और ये देखिए जरा, गोभी गाजर की शलगम का अचार और हल्दी की सब्जी, दोनों की रेसिपी मैंने YouTube पर डाली हुई है मेरे चैनल पर, तो आप जरूर से देखिएगा और मजे से बनाइएगा गोभी गाजर शलगम का अचार, साथ में ये पराठा ब्रेकफास्ट। फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।